दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई नवेली ताजगी भरी ताजा सी चाय में। अबे ढक्कन चाय नहीं, वीडियो है ये। तो दोस्तों, आपका बहुत ही गरम गरम स्वागत है हमारी इस वीडियो में। और आज का वीडियो ना बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं इतना खतरनाक, इतना भयानक, इतना दरिंदगी भरा चैलेंज करने वाली हूँ ना कि आपके देख के कांप जाएगा। क्या? अबे दिल कांप जाएगा और क्या। और टाइटल से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज हम इस बड़े वाले डायनासोर को लेके जाने वाले स्पॉन आइलैंड, क्योंकि आज इसकी ना वहाँ पर गर्लफ्रेंड की शादी है, और शादी इसके साथ नहीं किसी और के साथ हो रही है। अरे तो कोई बात नहीं, अपना डायनासोर किसी दूसरे सोर से कम है के? अब देखो, यहाँ पहुँच के मैंने थोड़ा सा हीलिंग करी और उसके बाद दो बॉट भी मारे, तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए अपने डायनासोर की गर्लफ्रेंड को वापस लाने के लिए। सैमी, तुम इतने दिन से कहाँ थी, वीडियो क्यों नहीं डाली? वो मैं ना थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन थी, बहुत काम से बाहर जा रही थी, मेरे पास छाई भी कहाँ है किसी के लिए। अबे चली जाइए अंग्रेजी लेके कहीं और, झाड़ियों साफ सब जो पूछा वो बता दे। पक्का, लेकिन तुम किसी और से मत बताना जो मैं तुम्हें बताऊंगी। अरे मेरी जान, तेरी कसम नहीं बताऊंगी किसी को। वो हुआ यूं था कि मम्मी ने ना कल मुझे बहुत ज्यादा मारा यार। क्यों, तुम सुरेश से फिर से बात कर रही थी? नहीं, क्योंकि कल मम्मी ने मुझे बोला कि रोटी बना के खिला दे, और वो रोटी गोल की बजाय कुछ और ही बन गई। हाँ वो तो मुझे पता ही है, तुम्हारी रोटी कभी इंडिया का नक्शा तो कभी पाकिस्तान का नक्शा बनती है। अब कौन से देश का नक्शा बनाया था? अरे नक्शे से तो कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक आधे बाल भी चले गए थे उस रोटी में। अबे क्या बात कर रही हो? तुम्हें पता, मैंने एक सपना देखा तुम्हारे बालों से रिलेटेड। यही ना कि मेरे बाल बहुत ज्यादा लंबे हो गए और बहुत ज्यादा खूबसूरत भी। नहीं, मैंने ये देखा कि नाई ने गलती से तुम्हें गंजा कर दिया और फिर तुम कुछ ऐसी दिख रही थी। अबे हट, लैमिनेटेड चोमू कहीं की कुछ भी बोलती हो, बकवास करती रहती हो। हाँ सच तो कड़वा ही होता है, और बोलने वाला पता है क्या होता है? अब देखो, यहाँ आकर मैंने पूरे घरों में छानबीन करी और मुझे कहीं भी अपने डायनासोर की गर्लफ्रेंड नहीं मिली, लेकिन मुझे उसके अलावा एक बहुत ही मस्त चीज मिली। यहाँ पे अपने को फ्लेयर मिली यार। दिल गार्डन गार्डन हो गया है, पेट में तितलियाँ उड़ रही हैं। अब हमारा एक ही मिशन है कि इस फ्लेयर को अपन जोन में जाके चलाएंगे। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी और छानबीन कर लेते हैं, क्या पता हमें 10-12 फ्लेयर और मिल जाए। अबे तो फ्लेयर के होलसेलर थोड़ी बैठे हैं यहाँ पे, जो तुम्हें 10-12 मिलेगी, एक मिल गई उसमें खुशी ना। अबे चुप करो तुम, तुम्हें ज्यादा पता है या मुझे ज्यादा पता है? मुझे पूरा यकीन है मुझे यहाँ पे एक और फ्लेयर तो जरूर मिलेगा। सत्यानाश, लगता है ये फ्लेयर भी चला नहीं पाओगी जोन में जाके। अबे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ये क्या धोखा हो गया? साले गद्दारी कर बे, वो तो बता रहा था कि यहाँ पे बहुत सारी फ्लेयर मिलती है, मेरा पागल बनाया उसने। मैंने तो तुमको पहले ही बोला था कुछ नहीं मिलेगा, फिर भी मानती कहाँ हो? अबे इसके ससुर के नाती हीलिंग भी नहीं बची मेरे पास, तो जल्दी से सुअर को उठाती हूँ और जोन की तरफ जाती हूँ, वहाँ जाके फ्लेयर चलाऊंगी आराम से और लूटूंगी। अब देखो, हम लोग यहाँ से निकल गए और मेरे पास सिर्फ दो ही मेड किट बची, और जोन देखो एकदम अपोजिट बनाया है, थोड़ा इधर को बन जाता तो क्या हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ ना, जोन में जाके इस फ्लेयर को चलाऊंगी और फिर देखते हैं कि हमें इस फ्लेयर से क्या मिलता है। अबे ये साला जोन तो मेरी एक्स की तरह एकदम पलटे जा रहे हैं बे, उधर कोई मरेगा जाके। अब यहाँ पे मैं जल्दी से एक मेड किट मारती हूँ और निकलते हैं फटाफट से अपनी जमीन की तरफ, ये पानी तो बड़ा बेकार है बे, और ऊपर से पानी मैंने इस डायनासोर को डैश भी नहीं कर सकते, तो ये धीरे धीरे ही चलता रहता है। अब देखो, हमारे डायनासोर में थोड़ा कम पेट्रोल रह गया था, तो मैं तुरंत जाकर ये कार ले लेती हूँ ताकि हम जल्दी से पहुंच जाएं। अब देखो, जैसे मैं थोड़ा आगे आती हूँ ना, तो मुझे एक बाइक खड़ी हुई दिखती है जो कि इस कार से तो बहुत ही ज्यादा तेज चली, और ऊपर से ये जोन मेरे से इतनी दूर भागे जा रहा है जैसे कि मुझे चिकन पॉक्स हो गया होगा। और इस टाइम ना मैं सिर्फ एक ही बात सोचे जा रही थी कि बस ये बाइक कहीं पलट ना जाए, और तभी मेरे साथ इतना बुरा सीन होता है ना कि क्या ही बताऊं। ये मनहूस बाइक आगे जाके पलट जाती है बे, मतलब कैसे और क्यों मेरे साथ ही ये चीज क्यों होती है? और एक तो ये जोन इतना ज्यादा काट रहा है ना कि अगर मैं यहाँ रुकी तो मैं पक्का मरूंगी, इसलिए बाइक उठाती हूँ और जैसी बाइक पे बैठी तो देखो क्या होता है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इस चैलेंज को पूरा करूं तो जल्दी से कमेंट करो।